जय हिंद फ्रेंड्स। तो फाइनली विद्या दिन स्कॉलरशिप यूपी बोर्ड के बैच वन का जो पेपर हो गया है, 10 बजे से वो शुरू हुआ था, 11 बजे खत्म हो चुका था। तो उसी के जो आप लोगों के 40 क्वेश्चंस थे, वो 40 क्वेश्चन की हम आंसर की लेकर आए हैं। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा आपको कितने आपके सही हुए हैं। और अब आपको बता दें आपका जो रिजल्ट है, कैसे आपको रिजल्ट आपका कैसे पता चलेगा, आपको रिजल्ट कब आएगा, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी मिसिंग नंबर्स ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया था 12, 36, 18, 40, 54, 27। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। सबसे पहले 12, 3 का 36, यानी कि 12 में गुणा हुआ 3 का तब आया 36, और 36 में डिवाइड हुआ 18 का तो आया छत्तीस में कितने का गुणा हुआ 2 का, 18 में 2 का गुणा हुआ तो आया 36। क्या आया 36। एक बार फिर से समझते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 12 में गुणा किया जाता है 3 का, हमको मिलता है 36। कितना मिलता है 36 हमको मिलता है। और इसके बाद 36 में कितने का डिवाइड किया जाए कि हमको मिल जाए 18, तो 36 में इन्होंने किया डिवाइड 2 का तो हमको मिल गया 18 आगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करें, 18 में गुणा किया किसका, 3 का किया। देखो क्या किया, 18 में जो हमने गुणा 3 का किया तो हमें मिला 54, और जब हमने 54 में डिवाइड किया 2 का तो हमको मिला कितना 27। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 27 में गुणा करेंगे 3 का, हमें बस इसके आगे वाली वैल्यू चाहिए। तो आगे वाली वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इसमें गुणा करेंगे 3 का। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 का गुणा करते हैं 27 × 3 तो हमको मिलता है 81। कितना मिलता है 81 मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट था। अगर आपने किया होगा तो आपको ये जरूर देखने को मिला होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अरुण इज ओल्डर देन रवि बाई 157 डेज, रवि इज ओल्डर देन अविनाश बाई 165 डेज। इफ रवि वाज बॉर्न ऑन सैटरडे देन फाइंड आउट द बर्थडे ऑफ अरुण एंड अविनाश। तो यहाँ पर कहा गया है अरुण एंड अविनाश, जो अरुण है वो रवि से 157 दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ था तो अरुण का, अरुण और अविनाश का जन्मदिन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि रवि शुक्रवार यानी कि रवि सैटरडे को, यानी कि रवि का जन्म अगर शनिवार को हुआ था तो अरुण कितना उससे बड़ा है, तो अरुण जो है उससे 157 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है, 157 दिन बड़ा है। यानी कि हमको क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, अर्जुन का जो अरुण का बर्थडे है उसमें हम लोग क्या करें, 157 दिन में जो रवि का जन्मदिन है वो घटाएंगे। क्या करेंगे, 157 दिन जो रवि का जन्मदिन है, यानी रवि किसको पैदा हुआ, शनिवार को, उसमें से हम लोग 157 दिन घटाएंगे। क्या करेंगे, 157 दिन घटाएंगे, इसके बाद जो आएगा वो वहाँ पर हमको अरुण का जन्मदिन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना 15 डेज, 157 डेज बड़ा है, और यहाँ पर जो रवि का जन्मदिन है वो हुआ है सैटरडे को। अगर हम लोग इसमें सप्ताह का डिवाइड करते चले जाएं तो बार बार हमको शनिवार सैटरडे ही मिलता रहेगा, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम इसका डिवाइड करेंगे 7 से, इसका डिवाइड करेंगे 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 बचेगा, कितना बचेगा 7 2 जा 14, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 7 2 जा 14। यहाँ पर 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं। क्या होते हैं, 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं। क्या होता है, एक्स्ट्रा जो है वो 3 दिन बच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 3 दिन ज़्यादा, सब जो हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो हमको 3 दिन ज़्यादा मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को उसका हुआ था जन्मदिन, और इसमें हम लोग 3 दिन माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 दिन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जब 3 दिन इसमें माइनस करेंगे, सैटरडे फ्राइडे और थर्सडे, तो आंसर आएगा वेडनर्सडे। क्या आएगा, वेडनर्सडे। यानी कि जो रवि का जो सॉरी अरुण का जो जन्मदिन है वो कब हुआ था, वो हुआ था वेडनर्सडे को, यानी कि बुधवार को हुआ था।
इसी प्रकार क्या है, रवि जो है अविनाश से 165 दिन बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे और वहां पर क्या होगा, वहां पर वो 4 दिन ज्यादा आएगा। कैसे देखना, डिवाइड करेंगे 165 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो यहाँ पर जो बचेंगे वो 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वही हमको 4 दिन क्या करना है, सैटरडे में 4 दिन कम कर देने, क्या करने हैं, सैटरडे में हमको 4 दिन कम कर देने हैं, तो हमको मिलेगा ट्यूजडे। क्या मिलेगा, ट्यूजडे, यानी कि जो अविनाश का जन्मदिन है वो हुआ था मंगलवार को। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट वेडनेसडे और ट्यूजडे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1/3 + 1/3 + 1/3 - 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का था 27/89। कितना था, 27/89 था। आपने सिंपल सा था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, डिवाइड करते रहना था। सबसे पहले यहाँ से इस कोष्टक से शुरू करते, इसके बाद इस कोष्टक पर आते, इसके बाद इस कोष्टक के, इसके बाद इसको डिवाइड कर देते, और इसको करने पर हमारा आंसर आता 27/89। ये आपका राइट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आपने ये किया है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। यहाँ से आपको विषम चुनना था, महानदी, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ऐसे हमने क्वेश्चंस बैच में आपको करवाए थे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑड चूज करना था, क्या करना था, ऑड चूज करना था। तो यहाँ पर जो महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं, ये क्या है, ये साउथ की नदियाँ हैं। क्या है, ये जो नदियाँ हैं वो साउथ की हैं। अगर हम लोग देखें, यमुना नदी जो है आपकी क्या है, यमुना नदी जो है वो आपकी नॉर्थ की नदी है। किधर की नदी है, नॉर्थ की नदी है। तो ये नॉर्थ की नदी, इसलिए ये सबसे अलग हो गई, यानी कि विषम हो गई। इन तीनों में समानता पाएगी महानदी, कृष्णा, गोदावरी में, कि ये साउथ की नदियां हैं, लेकिन यमुना जो है वो कैसी है, वो हमारी नॉर्थ की रिवर है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यमुना। क्या हो जाएगा, यमुना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर 5। क्या क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ए कार कवर्स इट्स जर्नी एट द स्पीड 80 किलोमीटर पर हावर इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 4 हावर बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ द कार विल हैव टू इंक्रीज। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करती है, यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसने कुल दूरी कितनी उसको तय करनी है, क्योंकि उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू की और अपनी यात्रा 10 घंटे में समाप्त कर ली, यानी कि 10 घंटे में वो पूरी दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम यहाँ पर 10 लगा, स्पीड कितना था 80, तो यानी कि 800 किलोमीटर दूरी थी, कितनी थी 800 किलोमीटर दूरी थी। अब उसे 800 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं, तो वो कितनी स्पीड से चलेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस पता चल चुकी है, क्या है, डिस्टेंस हमको पता चल चुकी है 800 किलोमीटर है। टाइम हमको दे दिया गया है 4 घंटे, हमसे पूछा गया स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, तो दूरी हमारी कितनी है 800 है, चाल हमारी है 4, तो यहाँ से कर देंगे कितनी है, 4 घंटे हमारे पास है, 4 × 8 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार होगी, तभी वो जो है उस दूरी को तय कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, तो यहाँ पर ऑप्शंस हमको दे रहे हैं 40, 60, 90, 120, नहीं मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कार की गति में कितनी वृद्धि करनी, यानी कि 80 किलोमीटर तो चल ही रही है, उसमें कितनी वृद्धि की जाए कि वो 4 घंटे में तय कर ले। तो हमें चाहिए कितनी थी, 200 किलोमीटर, कितनी चाहिए थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 तो उसकी पहले से ही थी, तो वृद्धि कितनी करनी है, वृद्धि हमको करनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी, कितनी करनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 120
किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछा नहीं गया था कि उसकी स्पीड कितनी होगी, हमसे पूछा था कितनी वृद्धि करनी होगी। तो हमें चाहिए थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 उसकी पहले से थी, 120 की वृद्धि कर देंगे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य, तो इसको दूसरे पेज में देख लेते हैं। दी लिस्ट ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 65 ए कस्टमर पेज रुपीज 56.16 फॉर इट, ही वाज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वन ऑफ देम बीइंग 10%, द अदर डिस्काउंट इज। किसी वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य 65 रुपये है, एक ग्राहक इसके लिए 56.16 रुपये का भुगतान करता है, उसे दो क्रमिक छूट दी गई हैं जिनमें से एक 10% थी, दूसरी छूट क्या है। साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहाँ पर 3%, 4%, 5%, 6% हमको दिया गया है, तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करना था। इसका आंसर भी आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो उसका सूचीबद्ध मूल्य कितना था, 65 रुपये था। कितना था, 65 रुपये था। और ग्राहक ने कितना भुगतान किया, ग्राहक ने हमको 56.16 रुपये दिए। कितने दिए, 56.16 रुपये दिए। अब देखो उसने सबसे पहली छूट कितनी दी, 10% की छूट दी। तो 65 रुपये का अगर 10% की छूट हम लोग निकालें तो 10/100 कर देंगे, यहाँ से 6.5 रुपये की उसने पहले छूट दे दी, यानी कि वस्तु की कीमत अब कितनी होगी, तो 65 माइनस की 6.5, वस्तु की कीमत होगी 58.5। अब हमको बताना है कि दूसरी छूट उसने कितने की, तो दूसरी छूट क्योंकि व्यक्ति ने कितने 56.16 रुपये तो दे ही दिए हैं, तो यहाँ पर हमारी दूसरी छूट 58.5 में सबसे पहले हम लोग जो इसकी जिसने जितने उसने रुपए दिए हैं तो माइनस के 56.16 रुपये उसने दिए हैं, तो यहाँ पर कुल कितने की दूसरी छूट, दूसरी छूट में उसको कुल 2.34 रुपये की छूट मिली थी। कितनी मिली थी, 2.34 रुपये की छूट मिली थी। पहली छूट में उसको कितने रुपये की छूट मिली थी, 6.5 की मिली थी, दूसरे में उसको मिली है 2.34 की छूट मिली है। अब यही 2.34 की परसेंटेज में हमको छूट निकाल लेनी है, तो दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा, तो जितनी आपको छूट मिली है क्या है, जितनी आपको छूट मिली है 2.34, जितने पर मिली है तो ये मिली है 58.5 पर हमको मिली थी, इनटू कर देंगे 100। कितनी कर देंगे, इनटू कर देंगे 100। इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा 4%। कितना आएगा, 4% की छूट, दूसरी जो छूट मिली थी वो 4% की मिली थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4%। क्या हो जाएगा, 4% इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले 10% की छूट दी थी इसलिए हमने उसके 10% निकाल लिया, सबसे पहले हमने 65 का 10% निकाला, तो यहाँ पर कितना आया, 6.5 रुपये की छूट मिली थी। फिर कितने मूल्य बच जाता है, तो मूल्य बच जाता है 58.5, क्योंकि उसने 56.16 रुपये तो दे ही दिए थे, तो यहाँ पर उसको दूसरी छूट में कितने मिलने थे, दूसरी छूट में 58.25 माइनस के 56.16, यानी कि 2.34 रुपये की उसको दूसरी छूट मिली। अब जितने रुपए की छूट मिली है और कितने पर मिली है उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर उसको छूट कितनी मिली थी, 2.34 की, कितने पर मिली थी, 58.5 पर मिली थी, इनटू कर देंगे 100 और यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, तो परसेंटेज आएगा हमारा 4%। कितना आएगा, 4% आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने 4 किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उधर हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल्ड वर्ड्स दैट मींस द फॉलोइंग। कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जब हॉट सीजन होता है तो हम लोग समर कहते हैं, कोल्ड सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है विंटर किससे बन रहा है, तो विंटर इससे बने क्योंकि इसमें डब्ल्यू है ही नहीं, विंटर तीसरे इसमें भी डब्ल्यू नहीं है और चौथे में भी डब्ल्यू नहीं है। अगर हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन देखें तो अगर इसके हम अक्षरों को सही से एडजस्ट करें तो यहाँ पर हमको विंटर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, विंटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विंटर। क्या हो जाएगा, विंटर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त अक्षर ए बी बी ए बी ए ढूंढे। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, क्रम बनाना होता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसका क्रम बन ही नहीं रहा, एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ।
इसके बाद है चूज दी ऑड वन आउट, यहाँ पर आपको विषम चुनना है, इम्फाल, उदयपुर, मुंबई, भोपाल। अगर उसका आंसर द्वारा बना पाऊंगा तो आपको जरूर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इम्फाल, उदयपुर, मुंबई, भोपाल। तो यहाँ पर देखो, इम्फाल जो है, मुंबई और भोपाल, ये सब क्या है, ये सब राजधानियां हैं। क्या है, ये सब राजधानियां, जबकि उदयपुर राजधानी नहीं है। क्या है, उदयपुर राजधानी नहीं है, इसलिए इसमें विषम क्या हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा उदयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। विषम आपको चुनना था, तो विषम क्या हो जाएगा, विषम आपका हो जाएगा उदयपुर, क्योंकि यहाँ पर इम्फाल, मुंबई और भोपाल जो है ये सारी राजधानियां हैं, जबकि उदयपुर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का दर्पण जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर पहला वाला था, क्या था, राइट आंसर इसका पहला था। अगर आपने ये किया होगा तो आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ए था, क्या था, राइट आंसर ए था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सोनिया का परिचय देते हुए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सीज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं, वह मेरी माँ के इकलौते भाई, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए समझते हैं, वह मेरी माँ के इकलौते भाई, तो आपकी माँ के भाई होते हैं वो क्या होते हैं, मामा होते हैं। क्या होते हैं, मामा होते हैं। अब देखो, मामा के इकलौते भतीजे, तो मामा के इकलौते भतीजे का अर्थ है क्या है, आमिर है। क्या है, आमिर ही भतीजा होगा। तो आप लोग अपने मामा क्या होते हैं, भतीजे या भांजे होते हैं। भतीजे भांजे दोनों बात एक ही होती है, और भतीजे की पत्नी यानी कि आमिर की पत्नी ही है वो, क्या है, तो उसके साथ संबंध उसका क्या है, तो उसका उसके साथ संबंध है पत्नी का संबंध। कैसा है, पत्नी का संबंध है। देखो एक बार फिर से समझते हैं, वह मेरी माँ के इकलौते भाई, तो माँ के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, और मामा का भतीजा क्या होता है, मामा का भतीजा होता है जो उसके दीदी का लड़का होता है। क्या होता है, उसकी दीदी का लड़का होता है, वही उसका भतीजा होता है। तो यहाँ पर भतीजा, तो भतीजा कौन हो जाएगा, तो भतीजा हो जाएगा आमिर, और भतीजे की पत्नी, तो आमिर की पत्नी क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी। तो वो उसके साथ संबंध क्या निकलेगा, तो उसका उसके साथ संबंध निकलेगा पत्नी का। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने अपने बैच में करवाए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द लास्ट एम्पायर, लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे, बाजीराव सेकंड, यानी कि बाजीराव द्वितीय थे वो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। तो यहाँ पर अगर हम आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, वो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। क्या हो जाएगा, बाजीराव पेशवा ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन दी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट सोल्यूशन मेड बाई कम्बाइनिंग 25 ml ऑफ एथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ दी सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था 12.5%, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शंस नहीं दिया गया था इसका। तो इसमें आप लोगों को नंबर, अगर आपने किया होगा तब भी, नहीं किया होगा तब भी आपको उसके इसमें नंबर मिल जाएगा। इसमें ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 सफेद गेंदे, 3 काली गेंदे, याद रक्षा रूप से एक पंक्ति में रखी जाती इस बात की संभावना ज्ञात कीजिए कि कोई 2 काली गेंदे एक दूसरे के बगल में ना रखी गई हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7/15 होगा। क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा 7/15 होगा। क्या होगा, 7/15। तो यहाँ पर इसका अगर आपने आंसर किया है ए वाला, तो आपका आंसर करेक्ट है 7/15। अगर आपने ये किया है तो आपका आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ी क्षेत्र का वर्णन करने वाले बेन आरोप को चुनिए, यानी कि फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है उसमें वर्णन करने वाला बेन आरेख आपको चुनना है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो खिलाड़ी होते हैं वो आसपास चारों तरफ, फुटबॉल के चारों तरफ होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? बी वाला करेक्ट होगा, और साथ में इसके एक सर्कल भी यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट हो जाएगा। सर्कल का मतलब है कि वो ग्राउंड, क्या मतलब है, ग्राउंड के चारों इस प्रकार जो है फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, अडोल्फ हिटलर बिलोंग्ड टू विच पार्टी, अडोल्फ हिटलर किस पार्टी से था? तो अडोल्फ हिटलर किस पार्टी से था, तो अडोल्फ हिटलर का संबंध किस पार्टी से था, उसका संबंध था नाजी पार्टी से। किसका था? नाजी पार्टी से, यानी कि नाजी दल से उसका संबंध था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाजी दल। क्या हो जाएगा? नाजी दल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, नाजी दल, नाजी पार्टी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र दिए गए चित्र में आयतों की संख्या है, तो चित्र में आयतों की संख्या 9 है। इसका तरीका क्या होता है, इसमें ट्रिक होती है, सारे आयत आपको गिनने हैं, 1 2 इधर नंबरिंग डाल देनी, यानी कि जो कॉलम और रो होते हैं उनकी नंबरिंग आपको करनी होती है। जैसे इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो ट्राइंगल बने हुए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डायग्राम सिर्फ आपका इतना है, ये आपका डायग्राम है, तो इसकी हम लोग काउंटिंग करेंगे। आपको कॉलम की करनी काउंटिंग, रो की काउंटिंग। तो इधर कितना है, 1 2, 1 2, इनको आपको जोड़ना है। तो 1 और +2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, इधर हम लोग इन कॉलम को जोड़ लेंगे तो 1 प्लस बनेगा 3, और इनका हमको कर लेना है गुणा। तो 3 × 3 कितना होता है आंसर, तो 3 × 3 होता है आंसर, कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा, 9 आपका सही जवाब, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक होती है, अगर आप लोग ज़्यादा ट्राइंगल, सॉरी ज़्यादा रेक्टेंगल है इस प्रकार बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको इसके जो कॉलम है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो इसको आपको जोड़ना है, 3 2 5 1 6, इसी प्रकार इनको जोड़ना है, 3 2 5 1 6 × 6 कर देना है, आ जाएगा 36, यानी कि इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, 36 होंगे। इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर काउंटिंग की, 1 2 1 2 जोड़ा तो 3 × 3, यानी कि 9 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको इस प्रकार दिए गए थे, 3 5 8 13 22, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर ट्रिक क्या लगी थी, यहाँ पर इसमें क्या किया था, इसने क्या किया था, 3 × 2 किया था, उसमें से माइनस क्या किया था, 3 × 2 किया तो 6 आया, 6 में उन्होंने क्या किया, 1 माइनस किया तो आया 5। इसी प्रकार क्या करा उन्होंने, किया 5 का किया कितना, 2 गुना, कितना किया, 5 का किया 2 गुना तो आया 10, उसमें किया इन्होंने माइनस की 2 तो आया 8। उसी प्रकार 8 का इन्होंने किया 2 गुना, 8 × 2 = 16, उसमें से किया माइनस की 3 तो आया 13। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, 8 13 का किया 2 गुना आया 26, 26 में किया माइनस की 4 तो आया 22। इसी प्रकार हम लोग 22 का करेंगे 2 गुना तो आएगा 44, और वहां पर घटाएंगे हम लोग 5, तो 44 में 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा आंसर 39। क्या आएगा, 39। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 39। इसके बाद देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, जब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग होगा। तो हम मान लेते संख्याएं एक्स वाई थी, तो एक्स वाई का गुणनफल क्या आएगा, 93 75 आएगा, और ये कहा गया इनका जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है 15, शेषफल कितना मिलता है, 15। अब हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेना है, और जो है वाई में वैल्यू रख लेनी, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल कर उसमें रख देनी, या वाई की वैल्यू निकाल कर इसमें, किसी में भी आप लोग एक वैल्यू रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा गया संख्याओं का योग, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी दोनों को हमको जोड़ के कर देना है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 400। कितना आएगा, आंसर आएगा 400। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने 400 किया है तो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ए फ्रूट बास्केट कॉन्टेंस मोर एपल्स देन लेमन्स, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट
than tree are oranges. The basket contains more apples than oranges. If the first two statements are true, the third statement is एक फलों की टोकरी में नींबू से ज़्यादा सेब हैं, टोकरी में संतरे से ज़्यादा नींबू हैं, टोकरी में संतरे से ज़्यादा सेब हैं। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन भी क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य, ट्रू होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने बैच में आपको करवाए हुए थे, तो आपने आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मुख्य घटक क्या है? मीथेन इसका मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। वर्तमान में माँ की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है, इसलिए उसकी जो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2x/5 हो जाएगी, क्योंकि 2/5 है। अब पुत्र की आयु 8 वर्ष बाद क्या करें? 8 वर्ष की आयु माँ की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु पहले वर्तमान में 2x/5 + 8 कर देंगे। इसी प्रकार क्या होगा? माँ की वर्तमान आयु x + 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण जैसे प्रश्नानुसार आधी होगी हमसे कहा गया है, तो 2x + 8 क्या होगा? 2x + 8 = 1/2x + 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स की वैल्यू आएगी 40 वर्ष। क्या आएगा? 40 वर्ष। हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको आंसर सिर्फ हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पांडा उसी परिवार से संबंधित है। तो पांडा किस परिवार से संबंधित? तो पांडा भालू परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो पोलोनियम एक उपधातु है। क्या है? पोलोनियम एक उपधातु है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग .. के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हेमेटाइटिस किसका अयस्क है? तो हेमेटाइटिस आयरन यानी कि लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। तो यहाँ पर आंसर लोहा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर फाइव गर्ल्स MNOPQ आर स्टैंडिंग इन ए रो। P इज ऑन द राइट ऑफ Q, N इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q, बट इज ऑन द राइट ऑफ M, P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ O, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर कौन है स्टैंडिंग खड़ा हुआ है? तो एक्सट्रीम पर यहाँ पर O खड़े हुए हैं। कौन? सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है? ओ लड़की जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए आपको बता देते हैं क्या कह रहा है। पांच लड़कियां हैं जो पांच, अब देखो पी और क्यू एक पंक्ति में खड़े। पी जो है वो क्यू के दाईं ओर, देखो हम लोग क्या करते हैं, राइट इधर मानते हैं लेफ्ट इधर मानते हैं। पी जो है क्यू के दाईं ओर है, पी जो है वो क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर पी होगी, ठीक है। एन जो है क्यू के बाईं ओर है, तो एन हमने बाईं ओर बना दिया। लेकिन M के दाईं ओर है, तो M के दाईं ओर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, ठीक है। P जो है O के बाईं ओर है, तो O के बाईं ओर O इधर बना देंगे, तो P हो जाएगा O के बाईं ओर। सबसे दाईं क्या है? सबसे दाईं है O, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? O ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड इज, तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। क्रोनोमीटर मापता है, तो क्रोनोमीटर जो है वो समय को मापता, किसको मापता है? समय को मापता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय। नेक्स्ट देखते हैं, फवाद मिर्जा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये घुड़सवार के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा घुड़सवार। इसके बाद है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ही कम्स .. ए कार, तो ही कम्स बाई ए कार क्या हो जाएगा? बाई ए कार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर वेग से घूम रही है तो गति क्या होगी? गति उसकी एक समान गति होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हमसे त्वरण पूछता है तो त्वरण हो जाता है एक समान त्वरण। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर परियोजना यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो ये हो जाएगा किससे?
इंदौर से, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स में लंबवत व्यवस्थित तत्वों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कॉलम। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रणाली जिसमें कोणों को रेडियन में मापा जाता है, तो ये कहलाती है सर्कुलर सिस्टम यानी कि वृत्ताकार प्रणाली। ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अलावा किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग हो रहा है, तो ये है प्लास्टिक मनी का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार सिंह को। ऑप्शन फर्स्ट आपका सॉरी सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो लखीमपुर खीरी। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, जो आपका आंसर की हमें बनानी थी हमने आपको पूरी सॉल्व करा दी है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।